सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर्स का, श्रीमान श्री नरसी ग्रेवाल सर का, जिन्होंने कि आज मुझे इस पैनल पर आने की अनुमति दी। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस पैनल पर आज बहुत ही दमदार भविष्य के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर्स के सामने बोलने का मुझे मौका मिल पा रहा है। साथियों, मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस पैनल के माध्यम से। सभी को मेरा नमस्कार, अगेन नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। शर्मा जी, स्लाइड शेयर कर लें और बल्लेबाजी शुरू करें। बहुत बढ़िया, ओपन हो गया आपका स्क्रीन। बहुत बढ़िया, वेलकम। स्लाइड आ गई है आपकी। बहुत बढ़िया, प्ले हो गया आपकी स्लाइड, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ शर्मा जी, सर इजाजत है। हाँ, प्लीज शुरू करें। शाबाश। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, जैसा कि अभी गुरु जी के माध्यम से मुझे अनुमति मिली कि आज के इस पैनल पर मैं कुछ बोल सकता हूँ, इजाजत मिली है, तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है और मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर रहे, किसानी भी घर में होती थी, छोटी मोटी जो भी किसानी है उसको बचपन से भी किया, घर वालों का भी साथ बटाया उसमें। साथ ही साथ परिवार वालों ने जो मेरी शिक्षा हुई, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल प्राइमरी विद्यालय से शुरू हुई और मेरा जन्म एक आगरा के छोटे से गांव में हुआ। धीरे धीरे करके शिक्षा बढ़ती चली गई, घर वालों ने मुझे पढ़ाया और मैं एक दिन बीएड करने के लिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मुझे बीएड करने का मौका मिला। मन में इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं और टीचर बनने की इच्छा मेरे परिवार वालों की थी, क्योंकि मेरे फादर टीचर रहे तो उन्होंने सोचा कि टीचर बनना ही सही है। और हालांकि मैंने कई प्रयास भी किए कि कहीं दूसरी जगह पर मेरा कुछ हो सके, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। कहीं कुछ हो भी गया तो वहां किसी कारण से जॉब नहीं मिल सकी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक दिन मौका मिला, मैंने एग्जाम दिया बीएड का, एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें मेरा चयन हो गया और मैं बीएड की पढ़ाई करने लग गया। साथियों, बीएड करते हुए मेरा सफर शुरू हुआ और आज टुडे आई गिव थैंक्स टू एवरीवन हु हैज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ जर्नी। आज मैं तहे दिल से उन सभी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज तक की मेरी जिंदगी की यात्रा में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी का, सेफ शॉप का। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी देवतुल्य मेंटर्स का। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों का जो मेरे साथ में इस इंडस्ट्री में आए। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों का जो आए तो सही लेकिन छोड़ करके भी चले गए, और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं जो आए भी नहीं, क्योंकि सभी का योगदान है मुझे यहां तक पहुंचाने में। मैं उन सभी का तहे दिल से इस पैनल पर धन्यवाद देता हूं। साथियों,
उन लोगों का तो धन्यवाद है ही, सबसे ज्यादा धन्यवाद है जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, मेरे ग्रेट मेंटर्स का, साथ में उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया, और उन लोगों का भी मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं जो बीच में छोड़ करके चले गए और मुझे ये बता करके चले गए कि आप में हौसले हैं और आप अपने दम पर, अकेले अपने दम पर बहुत कुछ खड़ा करके दिखा सकते हो। और साथियों, यहां से मेरी शिप शॉप की जर्नी शुरू हुई। साथियों, मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था और बीएड की पढ़ाई करते हुए इस सफर की शानदार शुरुआत हुई। मुझे बीएड करते हुए मुझे बहुत अच्छे अच्छे साथी मिले मेरे ही बैच में, और उनमें से कुछ साथियों के मैं नाम जरूर लूंगा क्योंकि वो साथी आज के समय में इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बहुत बड़ी पहचान रखते हैं, जिनमें एक नाम निकल करके आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये चार व्यक्ति खड़े हुए हैं, जिनमें से एक हमारे साथी है जो कि आज इस इंडस्ट्री में नहीं है। बाकी मैं तीन का जिक्र करके देखता हूं तो राइट हैंड पर मैं स्वयं शिव कुमार शर्मा मौजूद हूं, बीच में जो महान शख्सियत है जो कि आप देख रहे हैं, एक गले में साफा पड़ा हुआ है, ये हमारे बीएड के टूर का एक फोटो है जब हम बीएड पर टूर करने के लिए गए थे, और जो बीच में साथी खड़े हुए हैं वो कोई और नहीं है, आज इस इंडस्ट्री के महानायक, आज इस कंपनी के बहुत बड़े हीरो, आज इस कंपनी के बहुत बड़े एक अचीवर्स हैं, जिनका नाम है श्रीमान श्री माधव सिंह जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ग्रेट साथी के लिए, ग्रेट मेंटर्स के लिए। साथियों, जो दूसरे हमारे साथी हैं जो कि राइट से थर्ड साइड में खड़े हुए, तीसरे नंबर पर खड़े हुए हैं, ये कोई और नहीं है, ये भी हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे शेप शॉप में एक बहुत बड़ा मुकाम रखने वाले व्यक्तित्व है। आज हर कोई प्रयास करता है कि इनके जैसा बने, क्योंकि आज अगर उपलब्धियों की बात करें तो मैं समझता हूं कोई भी ऐसी उपलब्धि अपने शिप शॉप में बाकी नहीं है जो एक उपलब्धि इनके नाम नहीं है, और ये कोई और नहीं है, हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे ग्रेट साथी, हमारे ग्रेट आदर्श श्रीमान श्री विजयपाल सर हैं, जो कि आज यूसीए की लेवल पर इस कंपनी में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो हमारे दोनों साथी जो हमें बीएड करते हुए क्लासमेट के रूप में मिले, इनके माध्यम से ही मुझे इस शेप शॉप के सफर की शुरुआत करने का मौका मिला। दोस्तों, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, हम बीएड क्लास में 100 छात्र थे, 100 विद्यार्थी थे, मुझे पता नहीं कि इन्होंने मुझ में क्या देखा कि मुझे इनवाइट किया, और इनको लगा कि शिवकुमार शर्मा को इस क्षेत्र की जानकारी देनी चाहिए, और मुझे इन्होंने संडे के प्लान के लिए आगरा में जो प्लान हुआ करता था उसमें इनवाइट किया, और मुझे बताया कि शिवकुमार शर्मा जी, हम साथ साथ बीएड तो कर रहे हैं, भविष्य में नौकरी लगे ना लगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम चूंकि आपके साथी हैं, मित्र हैं, इसलिए आपको एक ऐसी शानदार जानकारी, एक शानदार इंफॉर्मेशन दिलवाएंगे जहां से अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को सही रूप से समझा और समझ करके उसमें कुछ करने का निर्णय लिया तो आपके जितने भी सपने हैं, मुझे नहीं पता कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी और उससे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हम दिखाने जा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपके जिंदगी का एक एक सपना पूरा होगा, और वो भी चुन चुन करके पूरा होगा। जब इस तरीके से मुझे इनवाइट किया प्लान के लिए तो मुझे लगा जरूर कुछ ऐसी चीज है, और चूंकि मेरे अपने मित्र ही जब जानकारी दे रहे हैं तो मैं जरूर जाकर के देखता हूं कि ऐसी क्या चीज है। और साथियों, इनके माध्यम से मैं संडे के दिन तैयार होकर के प्लान को देखने के लिए गया। संडे के दिन चूंकि मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और मेरी काफी अच्छी ट्यूशंस भी उस समय चला करती थी, ये बात है 2003-04 की, तो 2003 और 04 में जब मैं अच्छी ट्यूशंस करता था
8 से 9 हजार रुपए महीने की उस समय मेरी ट्यूशन चला करती थी। तो बीच के दिन सभी मेरे पैक रहते थे, संडे के दिन जरूर मेरा छुट्टी का दिन रहता था, लेकिन संडे को बहुत सारे काम होने के बावजूद, क्योंकि मैं जितने भी काम हुआ करते थे संडे की छुट्टी में ही किया करता था, चाहे वो कहीं आने का हो, जाने का हो, या फिर अपने आप को भी और भी जो भी काम थे वो मैं संडे के दिन करता था। लेकिन जब इन साथियों ने मुझे बताया कि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एक एक इंसान के सपनों को पूरा कराने की क्षमता रखती है, ताकत रखती है, तो मैं इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया समय से, और वहां पर मैंने प्लान को समझा। वहां पर संडे का वेन्यू था, पूरे प्लान को समझा, और पूरा प्लान समझने के बाद, जैसे कि एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, इंसान की नेचर होती है कि जब भी इंसान कोई भी काम करता है तो उसके मन में यह विचार आता है कि मैं किसी न किसी की सलाह अवश्य लूं, किसी न किसी की एडवाइज अवश्य लूं। तो वही प्लान जब हम देख रहे थे तो मेरे प्लान में, वही प्लान वेन्यू पर एक शख्स मेरे बगल में बैठे हुए थे, उनकी उम्र भी मेरे से ज्यादा थी। तो जब पूरा प्लान समाप्त हुआ और पूरा प्लान समाप्त होने के बाद टेस्टिमनी हुई सभी की, तो मैंने देखा कि मेरे से उम्र में जो ज्यादा थे वो भी यहाँ से बहुत कुछ अर्न कर रहे थे, मेरे से जो उम्र में भी कम थे उनकी भी यहाँ पे इनकम लाखों में मैंने सुनी। तो मैं एक्साइटेड हो गया और मुझे भी लगने लगा कि इस तरीके की इनकम मुझे भी मेरे जीवन में मिलनी चाहिए। और साथियों, जब मैं इस तरीके से एक्साइटेड हुआ, लेकिन मन में इच्छा थी कि नहीं, कोई भी काम बिना सलाह के नहीं करना चाहिए, तो जो शख्स मेरी बगल में बैठे हुए थे मैंने उनसे पूछ लिया, मेरे भाई साहब, आप इस बिजनेस में पहले से काम कर रहे हैं, इस काम को आप पहले से कर रहे हैं, या आज मेरी तरह पहली बार जानकारी लेने के लिए आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं पहली बार ही जानकारी लेने के लिए आया हूं। तो मुझे अच्छा लगा कि ये भी मेरे ही जैसे व्यक्ति हैं जो आज पहली बार इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आए हैं, इस जानकारी को लेने के लिए आए हैं। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये जो सलाह देंगे बिल्कुल सही देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप क्या कहेंगे, जो जानकारी अभी ली है ये आपको कैसी लगी है? तो उन्होंने मुझसे सवाल कर दिया, बोला, भाई साहब, आपसे मैं पहले ये जानना चाहूंगा आप करते क्या हैं। तो मैंने कहा, मैं टीचर हूं और टीचिंग करता हूं। तो वो शख्स कहने लगे, बोले, टीचर होकर के भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि ये सामने वाले लोग बेवकूफ बना रहे हैं सूट और टाई लगा करके? इस तरीके से कुछ नहीं होता, मेरे बहुत बड़े अनुभव है जिंदगी के। और दोस्तों, जब उनकी इस तरीके की बात सुनी तो पहले मैं बहुत हाईली एक्साइटेड था, इस बात को लेकर के एक्साइटेड था कि यहां से मैं भी कुछ उपलब्धियां ऐसी हासिल कर सकता हूं जो लोग ये बता रहे हैं कि यहां से लाखों में इनकम ली जा सकती है, और मैंने उनको सुना भी है। लेकिन जब मैंने अपनी चेयर के बगल में बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से इस बात को सुना कि ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने की बातें हैं, किताबी बातें हैं, इन बातों का कोई वजूद नहीं है, तो साथियों, मैं कंफ्यूज हो गया। क्योंकि एक तरफ अगर व्यक्ति कोई कहता है कि यहां से जीवन को बदला जा सकता है, और वहीं बगल में बैठा व्यक्ति कहता है कि ये बातों में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ पागल बनाने वाली बातें हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन आज मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ कंफ्यूज ही हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कंफ्यूज है, यानी कंफ्यूजन का तो ट्रीटमेंट हो सकता है, कंफ्यूजन का तो इलाज है, कंफ्यूज को दूर किया जा सकता है कंफ्यूजन को, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फ्यूज हो जाता है तो फ्यूज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैं उस जानकारी को लेने के बाद फ्यूज नहीं हुआ, कंफ्यूज ही हुआ। अब मेरे मन में विचार चलने लगे कि मैं सामने वाले इंसान की बात मानूं जो ये कह रहा है ये बहुत अच्छा काम है, यहां से जीवन बदला जा सकता है, चुन चुन के सपनों को पूरा किया जा सकता है, मैं इस इंसान की बातों को मानूं, अथवा जो मेरी सीट के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है वो कह रहा है कि ये बेकार की बातें हैं, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं। लेकिन कहते हैं टीचर टीचर ही होता है, और एक टीचर बहुत ज्यादा देर तक कंफ्यूज नहीं रह सकता।
मेरे मन में अंतर मन से आवाज आई, बोला शिवकुमार शर्मा तुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, तू भरोसा मत कर उस इंसान पर जो तेरे से ये कह रहा है कि ये काम बहुत अच्छा है, यहां से सपने पूरे हो सकते हैं, क्या पता ये इंसान भी अपने किसी फायदे की वजह से इस काम को अच्छा बता रहा हो, इसका कोई लालच हो, और जो मेरी बगल में बैठे हुए महोदय इस काम को खराब बता रहे हैं, क्या पता वो इसलिए खराब बता रहे हो क्योंकि उनकी सोच इतनी हो और वो इतना ही जानते हो। तो मेरे अंतर मन से एक आवाज आई कि सुकुमार शर्मा दोनों में से किसी की भी बात मत मान, अगर तुझे जानना है कि ये काम सही है या गलत तो सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है क्यों ना करके देख लिया जाए, अगर अच्छा होगा तो पता चल जाएगा और खराब होगा तो पता चल जाएगा, अगर अच्छा होगा तो करते रहेंगे और खराब होगा तो क्या परेशानी है, हम इसको कभी भी कुट कर देंगे और जो काम अपना करते हैं वो करते रहेंगे, और यही सोच करके मैंने इस इंडस्ट्री में साथियों कदम रख दिया। जब कदम रख दिया और मैंने इस बिजनेस को जो कि दुनिया का बहुत शानदार बिजनेस है उसमें एंट्री ले ली, शुरुआत कर दी, और शुरुआत के ही दिनों से मुझे महान शख्सियतों का सहयोग मिला, साथ मिला। हालांकि कहते हैं कि हो यही सोई जो राम रच राखा, कहते ना द गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीबडी, ऊपर वाले ने तो हर आदमी के लिए ये योजना पहले से बना के रखी है कि उसको क्या कराना है, मैं क्या करना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे पहले से ही मेरा मार्गदर्शन कर दिया और मेरे लिए योजना बना के रखी थी कि शिव कुमार शर्मा तुझे कोई और छोटा मोटा काम नहीं करना, तुझे वो काम करना है जिससे तुझे अपने नाम का इतिहास लिखना है और तेरे माध्यम से जो लोग आएंगे उनका भी इतिहास लिख करके दिखाना है, और इस तरीके की भगवान की योजना को देख करके मेरे मन में बहुत खुशी हुई और मैंने इस काम को करने की शुरुआत कर दी। दोस्तों जब इस काम को करने की शुरुआत करी तो शुरुआत से ही मुझे सिस्टम का जिसका नाम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है उसका बहुत बड़ा सहयोग मिला, और सिस्टम के माध्यम से मुझे लगातार सीखने का अवसर मिला, और जिन्होंने मुझे सिस्टम दिया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में एंट्री दिलाई उनका भी मुझे भरपूर सहयोग मिला, और आज मेरे जीवन में एक ऐसा एक मोड़ आ चुका था कि मैं एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा था, मेरे जीवन में शेप शॉप का आगमन हो चुका था। और साथियों आज शेप शॉप जिसको कि हम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, साथियों मुझे उस समय तो नहीं पता था कि ये कंपनी, ये अपॉर्चुनिटी, ये एकेडमी कितनी बड़ी चीज है, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि जिस उस दिन जो मैंने निर्णय लिया था सेफ शॉप को करने का, आज वो हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी है। आज इस बात का मुझे प्राउड होता है और मुझे गर्व होता है, और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं कि मुझे उस पल उस क्षण ऐसी दमदार अपॉर्चुनिटी में आने का निर्णय लेने का मुझे सद्बुद्धि दी और मैं निर्णय ले पाया। दोस्तों आज उस समय हो सकता है मुझे नहीं पता था कि ये क्या निकलेगी, कैसी कंपनी होगी, क्या होगा, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जब लेने पे आता है तो सांसें भी नहीं छोड़ता और जब देने पे आता है तो छप्पर तो छोड़ दो लैंड के दे देता। और दोस्तों मुझे इतनी दमदार अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने दी, मुझे निर्णय लेने की ताकत दी, मुझे निर्णय लेने की शक्ति प्रोवाइड करी और मैं इस शानदार बिजनेस में आया। शुरुआत के दिनों से ही हमेशा मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं बात करूं श्रीमान श्री विजयपाल सर की जो कि मेरे बीएड के साथी रहे, लेकिन आज इस बिजनेस में मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे आदर्श हैं, उन्होंने मुझे भरपूर साथ दिया, सहयोग दिया। मैं बात करूं दूसरी महान शख्सियत का जो कि आज इस बिजनेस में आइकॉन है, आज इस बिजनेस में लाखों लोगों के रोल मॉडल हैं, मार्गदर्शन मिला, मुझे लगातार सीखने का मौका मिला, मुझे लगातार
इस कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिली, मुझे इंस्पायर किया गया इस कार्य को करने के लिए। कदम कदम पर इन दोनों महान शख्सियत ने मुझे सहयोग दिया और इन दोनों महान शख्सियत ने मुझे दुनिया के बहुत ही बड़े मोटिवेटर और आज हमारे सेफ इंडस्ट्री के किंग कहे जाने वाले श्रीमान श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के दर्शन कराए और उनसे मिलाया। मैंने जब सर की सोच को देखा, श्रीमान श्री ग्रेवाल सर की सोच को देखा, तो एक बात समझ में आ गई कि मैं उन लोगों के साथ में हूं, मैं उन लोगों के कम्युनिटी में हूं जिनकी सोच बहुत आगे तक जाती है। और मुझे ऐसा भरोसा होने लगा कि भाई मैं अगर इनके पीछे पीछे चलता रहा तो ये तो एक दिन इतिहास लिखेंगे ही, और इनके पीछे पीछे अगर मैं भी चलता रहा तो शिव कुमार शर्मा तेरा भी एक दिन इतिहास लिख जाएगा और तेरी भी पहचान पूरे हिंदुस्तान लेवल पे होगी। और दोस्तों, मैं आज नतमस्तक होकर के इन महान शख्सियत को बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जो मेरे जीवन में आए और मुझे लगातार मार्गदर्शन देते चले गए। दोस्तों, ग्रेवाल सर के बाद श्री ओम प्रकाश सर जी का भी बहुत हमें सहयोग मिला हमारे मेंटर्स के रूप में। और बात करें इनके ऊपर भी, जो आज इस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है, आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत कुछ दिया है, और वो कोई और नहीं है, वो है हमारे ग्रेट 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 मेंटर श्रीमान श्री संजय जैन सर। मैं उनके लिए भी चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उनकी आज जो सोच है उस सोच की वजह से हम सब लोग इतनी बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचे हैं। श्रीमान श्री संजय जैन सर के साथ ही मुझे एक और बहुत ही दमदार लीडर, टॉप लीडर श्रीमान श्री राजीव चतुर्वेदी जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। और दोस्तों, आज मैं कह सकता हूं कि अगर उस दिन भगवान मेरे से कहते कि तू, तेरे पास मौका है, तू छांट ले कौन कौन सी अप्लायंस तुझे पसंद है, दोस्तों तो हो सकता है मैं गलती कर बैठता और इतनी अच्छी अप्लाई नहीं छांट पाता, सेलेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं ईश्वर का कि ईश्वर ने मुझे पहले से ही सेलेक्टेड छांट कर विजनरी और एक ऐसी सोच रखने वाले मेंटर्स दिए जो कि आज सेफ शॉप में बिल्कुल टॉप मुकाम पर है, और आज उस मुकाम पर है जहां पाने को कुछ बचता नहीं है, वहां सिर्फ बचता है तो दूसरों को दिलाने के लिए बचता है। और मैं चाहूंगा मेरे सभी मेंटर्स, मेरे सभी अप्लायंस का एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे जीवन में आए और आपने सभी ने मेरे जीवन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, सही गाइडलाइन दी, सही मार्गदर्शन दिया और मेरे जीवन को बदला। दोस्तों, धीरे धीरे करके काम करते चले गए हम और एक एक लेवल अचीव होता चला गया, इनकम भी आती चली गई, टीम भी बनती चली गई। हालांकि शुरुआत के दिनों में हम, हर कोई जानता है कि संघर्ष रहता है, संघर्ष इसलिए रहता है कि हम बिजनेस को उस समय उतना जानते नहीं है, सीख नहीं पाते हैं, तो शुरुआत के दौर की मुश्किलें तो सबके साथ रहती हैं, मेरे साथ भी रहती थी। मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले, क्योंकि जब ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग में नाम घूम रहे थे, मैं जाकर के किस किस व्यक्ति को ज्वाइन कराऊंगा, और जाकर के मैंने अपने एक रिश्तेदार को ज्वाइन करा दिया। और मैंने जैसे ही एक रिश्तेदार को ज्वाइन कराया, वो मोटिवेट हो गया, लेकिन वो रिश्तेदार इतने अच्छे निकले कि वो दूसरे ही दिन मेरे पास आकर के कहने लगे, बोले भाई साहब हमारा चेक वेक आया क्या। मैं हैरान हो गया कि मैंने अभी तक चेक की शक्ल नहीं देखी, चेक आता किस कलर का है, कौन से रंग का आता है, कैसा आता है, मैंने नहीं अभी तक शक्ल देखी, और ये एक रात बाद ही मेरे से चेक पूछने आ गए, हमारा चेक बना क्या। तो दोस्तों, इस तरीके के भी लोग मेरे साथ में आए। लेकिन एक दिन ऐसे ही शुरुआत करते हुए एक और अन्य हमारे साथी इस बिजनेस में आए, जिनका नाम था राधे श्याम, जो कि अपनी फौज से रिटायर होकर के आए थे और खाद बीज की दुकान किया करते थे आवलखेड़ा में। और मैंने सोचा ये आदमी अभी रिटायरमेंट लेकर के आए हैं,
तो इनके पास पैसा जरूर होगा और ये खाद बीज के दुकान भी करते हैं और मैंने उनको इनवाइट कर दिया संडे के प्लान के लिए। और जैसे ही संडे के प्लान के लिए इनवाइट किया वो व्यक्ति गए और उन्होंने प्लान को देखा और उन्होंने भी तुरंत डिसीजन ले लिया इस बिजनेस को करने का। मुझे बहुत खुशी हुई कि धीरे धीरे करके मेरी टीम बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है और लगातार हमारे ग्रेट मेंटर्स का अच्छा मार्गदर्शन मिलता चला जा रहा है और मार्गदर्शन भी उस तरीके का मार्गदर्शन जिस मार्गदर्शन के दम पर लाखों लोगों ने अपने जीवन के इतिहास लिखे, अपने जीवन को बदल करके दिखा दिया और ऐसे ही उनका मार चली गई और बढ़ती चली गई। मुझे एक दिन का वाक्य याद है, मेरी अपलाइन ने मुझसे पूछा था, बोला शिव कुमार शर्मा जी एक बात बताइए, आप कैसा बिजनेस चाहते हैं? मैं बोला सर मैं समझा नहीं। बोला हमारा कहने का मतलब ये है कि आप किस तरीके का बिजनेस चाहते हैं, आप परमानेंट बिजनेस चाहते हैं या टेम्परेरी चाहते हैं। जब ये दो सवाल मेरे सामने पूछे गए कि आप टेम्परेरी बिजनेस चाहते हैं या परमानेंट बिजनेस चाहते हैं, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति एक ही जवाब देगा कि मैं परमानेंट बिजनेस चाहता हूं, मैं एक ऐसा बिजनेस चाहता हूं जो फॉर एवर रहे, ऐसा काम ऐसे परिणाम चाहता हूं जो फॉर एवर रहे, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिसकी उपलब्धियां मुझे बहुत बड़ी रूप में मिले और पीढ़ी दर पीढ़ी मिले। तो मैंने तुरंत बोल दिया, बोला सर मैं परमानेंट बिजनेस करना चाहता हूं और मैं ऐसा बिजनेस चाहता हूं जो कि ऑटोमेशन पे हो और परमानेंट हो। तो उन्होंने कहा शर्मा जी ये दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं कि टेम्परेरी बिजनेस क्या करने से होगा और परमानेंट बिजनेस क्या करने से होगा। साथियों आप लोग भी जानना चाहते हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बताया इन दोनों के बारे में कि परमानेंट बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है और टेम्परेरी बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि अगर आप टेम्परेरी बिजनेस करना चाहते हैं तो टेम्परेरी बिजनेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा एक काम करना है, इसके लिए बस सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाते रहना है और ये हो जाएगा। मैं बोला टेम्परेरी काम करने में सिर्फ दिमाग लगाते चला जाना है और हो जाएगा? बोला हाँ शर्मा जी, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ अपनी बुद्धि लगाते जाओ, न सिस्टम की मानो न अपलाइन की मानो न कंपनी की मानो, सिर्फ अपना दिमाग चलाते चले जाओ, आपको कुछ नहीं करना, ये टेम्परेरी वाला काम हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया परमानेंट काम को लेकर के कि अब मैं बताना चाहूंगा परमानेंट काम किस तरीके से होगा। मैंने बोला सर इसी को बताइए क्योंकि मैं तो यही करना चाहता हूं, मैं टेम्परेरी काम नहीं करना चाहता, मैं परमानेंट काम करना चाहता हूं और मुझे इसके बारे में बताएं कि परमानेंट काम कैसे होगा। तो साथियों मेरे जो मेंटर्स थे, मेरे आदर्श श्रीमान श्री विजयपाल सर ने बताया कि परमानेंट काम के बारे में हमारे सभी मेंटर्स एक ही बात बताते हैं कि परमानेंट काम वही है जो व्यक्ति सिस्टम पर काम करेगा और सिस्टमेटिक होकर के काम करेगा और अपनी डायमंड शिप को अचीव करेगा, वो परमानेंट काम होगा। बोला इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति सिर्फ कंपनी को ज्वाइन करते हैं ऐसे व्यक्ति कभी भी डायमंड नहीं बनते। जो लोग केवल कंपनी को ही ज्वाइन करके रह जाते हैं ऐसे व्यक्ति कभी डायमंड नहीं बनते, उनको कंपनी के साथ साथ कुछ और चीजों को भी ज्वाइन करना पड़ेगा तब जाकर के डायमंड शिप मिलती है। तो मैंने पूछा सर अवश्य बताइए मैं कंपनी के साथ साथ और किसको ज्वाइन करूं? तो उन्होंने बताया कि आपको कंपनी के साथ साथ अपनी अपलाइन को भी ज्वाइन करना है क्योंकि अकेली कंपनी डायमंड नहीं बना सकती, आपको कंपनी के साथ साथ अपलाइन को भी ज्वाइन करना है। अपलाइन को ज्वाइन करने का मतलब कोई भी नया कार्य बिना अपलाइन की सलाह के नहीं करना, बिना सलाह के बिना पूछे नहीं करना। और दोस्तों मैं समझ गया कि कंपनी के साथ साथ अपलाइन को भी ज्वाइन करना है। उन्होंने बताया कि आप कंपनी को ज्वाइन कर लोगे और अपलाइन को भी ज्वाइन कर लोगे तब भी डायमंड से हासिल नहीं होगी। मैं बोला सर फिर और क्या करना पड़ेगा?
तो फिर उन्होंने बताया कि आपको कंपनी और अपलाइन के साथ साथ सिस्टम को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और जब आप कंपनी अपलाइन और सिस्टम को भी ज्वाइन करोगे तब जाकर के आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन डायमंड से जो बड़ी कामयाबी है वो फिर भी हासिल नहीं होगी, इसके अलावा भी आपको कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं पूछने लगा, सर और बताइए और क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, और मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने बताया कि आपको इसके साथ साथ डाउनलाइन को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक चीज समझ में आ गई कि परमानेंट अगर मुझे काम करना है तो परमानेंट काम करने के लिए मुझे कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा, अपलाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे सिस्टम को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और मुझे डाउनलाइन को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं इन चारों के बीच में, चारों को अपना मान करके, इन चारों को साथ में लेकर के, चारों को मैं एकदम कह सकता हूं, चारों को फॉलो करके, चारों को ज्वाइन करके अगर मैं सिस्टम में काम करूंगा, तो मेरी अपलाइन ने मुझे बता दिया कि आप इन चारों के साथ बने रहिए, इन चारों के साथ जुड़े रहिए, इन चारों को आप ज्वाइन करते रहिए, वो दिन निश्चित आपके जीवन में आएगा कि आप एक दिन 100% डायमंड बनोगे, 100% डायमंड बनोगे। और उस दिन दोस्तों ये सीक्रेट मुझे पता चल गया कि परमानेंट काम अगर करना है, डायमंड बनने के लिए काम करना है, तो मुझे इन चारों चीजों को ज्वाइन करते रहना पड़ेगा, और इन चारों चीजों से हमेशा अपने आप को जोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि इन बिना चारों चीजों के मैं बड़ी सफलता या डायमंड शिप नहीं ले सकता। और साथियों, मैंने इन चारों के साथ में आज काफी लंबा समय हो चुका है, और आज तक मैंने इन चारों का साथ नहीं छोड़ा, और आज भी मैं इन चारों के साथ हूं और चारों के साथ बना हूं। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके मेरा काम परमानेंसी की तरफ, परमानेंट होता चला गया। और साथियों, मेरी अपलाइन ने मुझे सफलता के 8 सूत्र बताए, 8 ऐसी चाबियां बताई सफलता की, और उन्होंने कहा कि आप जो परमानेंट काम करना चाहते हो उसका दरवाजा जो खुलेगा इन 8 चाबियों से ही खुलेगा। ये 8 ऐसे सूत्र हैं जिनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो डायमंड अगर कोई बनता है तो इन 8 सूत्रों के दम पर बनता है। और इन सूत्रों को हम में से सभी लोग जानते हैं, चाहे वो ड्रीम हो, लिस्ट हो, इनविटेशन हो, शो द प्लान हो, फॉलो अप हो, 100% यूजर हो, ये टीम प्लेयर हो, और TBF हो, ये जो हमारे 8 स्टेप हैं, यही वो 8 स्टेप हैं जो हमें सफलता के टॉप मुकाम पर लेकर के जाएंगे। मैं कई बार देखता हूं, लोग पूछते भी हैं, बोलो सर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी नहीं मिल रही, आप अपने आप को 8 स्टेप के सांचे में उतार के देख लो, कोई न कोई स्टेप आपसे जरूर छूट रहा होगा जिसकी वजह से कामयाबी नहीं मिल रही है। मैं दावा करता हूं इस बात का कि अगर एक व्यक्ति इन 8 स्टेप का पालन कर लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, दूसरों को बताने के साथ साथ खुद भी उतारता है, उसको दुनिया की कोई ताकत डायमंड बनने से नहीं रोक सकती, सफल होने से नहीं रोक सकती। ये ताकत है ना इन 8 स्टेप की। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कहां गलती हो रही है, अपने आप को इन 8 स्टेप में उतार लो, इन्हीं में से कोई एक स्टेप होगा या 2 स्टेप होंगे जो छूटते हैं। मैं कई बार देखता हूं लोग ड्रीम नहीं बनाते, लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बनाने से कैसे काम चलेगा भाई, है? लिस्ट बना लेते हैं, इनविटेशन भी कर लेते हैं, लेकिन उनका इनविटेशन इस तरीके का होता है कि लोग प्लान में आते नहीं, लोग प्लान नहीं देख पाते, वो टाइम सेट नहीं कर पाते, कोई फॉलो अप नहीं कर पाता, कोई अपने आप को 100% यूजर नहीं बना पाता, और कोई टीम प्लेयर नहीं बन पाता। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो सारे काम कर लेते हैं लेकिन न तो किसी मीटिंग को अटेंड करेंगे, फंक्शन को अटेंड करेंगे, न बुक पढ़ेंगे, न ऑडियो वीडियो सुनेंगे, वो दुनिया भर की चीज ऐसी चीजों को सुनते रहते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, जिनका कोई भी लेना देना नहीं है सफलता से, और अपने समय को गंवाते रहते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम ने हमें जो 8 स्टेप प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों, यही वो 8 स्टेप हैं जो आपकी कामयाबी में 4 चांद लगाएंगे, यही वो 8 स्टेप हैं जो आपको 0 से लेकर के हीरो बनाएंगे, यही वो 8 स्टेप हैं
जो आपको जीरो से लेकर के डायमंड बनाएंगे, यही वो 8 स्टेप हैं। और दोस्तों मैंने इन 8 स्टेप को जब शुरुआत में ही मेरी अपलाइन ने मुझे बता दिया, मुझे याद है कि जब भी मैं संडे का या फ्राइडे का दिन आता था तो संडे का प्लान और फ्राइडे का ट्रेनिंग मैंने आज तक कभी छोड़ा नहीं। जहां तक मुझे याद है मेरी अपलाइन ने बता दिया था, मतलब पहले तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है, तुम्हें ट्रेंड होना है, और तुम्हें ट्रेंड होने के बाद में तुम्हारा कर्तव्य है अपनी टीम को ट्रेंड कराना है। और दोस्तों यही 8 स्टेप के दम पर न कि मैं सिर्फ डायमंड बना, आज मेरी टीम में भी लगातार डायमंड्स बनते चले जा रहे हैं। वो सिर्फ देन है तो सिर्फ इस 8 स्टेप की। साथियों इसके साथ ही मुझे मेरे अपलाइन ने मार्गदर्शन दिया और उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग का एक एक स्टेप बहुत लाजवाब है। उन्होंने गोल्स के बारे में बताया, ड्रीम्स के बारे में बताया। ड्रीम एक बहुत दूरगामी लक्ष्य होता है, हमें इस ड्रीम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, हमें अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे। गोल सेट करने पड़ेंगे, क्यों सेट करने पड़ेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी अच्छे अजीज मित्र को, अपने साथी सगे संबंधी को एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपने पत्र लिखा और उस पत्र को ले जा करके आप लेटर बॉक्स में भी डाल करके आ गए, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई और वो गलती क्या हो गई, उस पत्र के ऊपर एड्रेस लिखना भूल गए। और दोस्तों एड्रेस लिखना भूल गए तो दुनिया का कोई भी डाकिया हो, पोस्टमैन हो, उस पत्र को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। लोग कहते हैं अरे साहब हमारी, हमने उस अपलाइन के साथ ज्वाइन किया, कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे होगा तो तब जब तेरा गोल होगा, तेरा लक्ष्य होगा, तुझे पता होगा कि तेरा लेटर, ये जिंदगी एक लेटर की तरह है जो इन संसार के लेटर बॉक्स में पड़ी हुई है। ये जिंदगी तभी ठिकाने पर जाएगी, ये जिंदगी तभी मंजिल तक जाएगी जब इस पर पता पड़ा होगा, लक्ष्य पड़ा होगा कि जिंदगी को तू ले जाना कहां पर चाहता है। दोस्तों ये लक्ष्य की ताकत को मैंने समझा, गोल की ताकत को समझा और मैंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, छोटे छोटे लक्ष्य बना करके काम किया। और दोस्तों इन लक्ष्यों की वजह से मुझे कामयाबी मिलती चली गई और मैं डायमंड तक पहुंचा। दोस्तों लक्ष्य का बहुत बड़ा योगदान है हमारे बिजनेस में और हमें लगातार अपनी गोल सेटिंग करनी पड़ती है। मैंने हमेशा गोल सेटिंग की कि मेरा नेक्स्ट रिकग्निशन क्या होगा, मैं काम कर रहा हूं, मैंने नेक्स्ट रिकग्निशन मेरा क्या होगा, मैंने डेट लिखी, टाइम लिखा और कौन से जगह पर मेरी रिकग्निशन होगी, मैंने वो सारी चीजें नोट की, अपने गोल में डिसाइड की मेरा नेक्स्ट रिकग्निशन क्या है। मैंने फिर गोल बनाया कि मेरे इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, मैं कहां कहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, इस तरीके के भी मैंने गोल बनाए। मैंने गोल बनाया कि मेरे इस वीक का चेक क्या होगा, माई चेक ऑफ दिस वीक, द वीक, मेरे इस वीक का चेक क्या होगा, कितने रुपए का चेक होना चाहिए, मैंने चेक का भी गोल बनाया और उसके मुताबिक मैंने काम किया। मैंने गोल बनाया कि मुझे डेवलप वेन्यू, मुझे अपने टीम में वेन्यू डेवलप करने हैं और कितने वेन्यू डेवलप करने हैं जिनसे मेरा बड़ा काम होगा, मैंने गोल बनाया। मैंने गोल बनाया इन सभी चीजों का, मैंने गोल बनाया कि मेरी कार कौन सी होगी, क्योंकि मैंने देखा है जिन्होंने कभी कार का गोल नहीं बनाया वो बेकार ही रहे, और जिन्होंने कार का गोल बनाया उनके पास एक नहीं बल्कि कई कई कार भी आई। तो मैंने कार का गोल बनाया, मेरी कार कब मिलेगी, मेरी कार कब होगी। मैंने गोल बनाया मेरी टीम में कोर लीडर कितने होंगे और कब तक कितने कोर लीडर होंगे, मैंने गोल सेट किया। मैंने गोल बनाया मेरी डायमंडशिप कब होगी, मैंने इस तरीके का भी गोल बनाया। मैंने गोल बनाया मेरी बैलेंस शीट अगर मैं तैयार कराऊंगा तो क्वार्टरली बैलेंस शीट में मेरा कितना रुपया होना चाहिए, मैंने ये सारे गोल लिखे और आज भी मेरे पास लाइन लगा करके गोल लिखे हुए हैं जिनको मैं धीरे धीरे करके पूरा करता चला जा रहा हूं।
और ये ताकत है इस गोल सेटिंग की। और मैं इस बात को पूरा मोहर लगा करके कहूंगा कि जो लोग गोल बना करके काम की शुरुआत करते हैं उनके गोल अवश्य ही पूरे होते हैं। कहा जाता है कि अगर एक फुटबॉल के मैच में खिलाड़ी कितना भी दमदार क्यों ना हो, कितना भी कुशल क्यों ना हो, अगर गोल नहीं होगा तो बॉल में लात मारता रहे, बॉल कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन अगर गोल होगा तो खिलाड़ी कितना भी एक बार को कमजोर क्यों नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करेगा और गोल होगा तो एक दिन अपनी बॉल को गोल तक जरूर पहुंचा देगा। आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल दोस्तों। तो मैंने गोल सेटिंग करके काम करने की शुरुआत की और साथ ही मेरी अपलाइन ने बताया वी मस्ट फॉलो द 10 स्टेप ऑफ कोर्स। जो कोर के 10 स्टेप हैं उनको फॉलो करने के बारे में मुझे मेरी अपलाइन ने बताया कि आपको अब हमेशा सबसे पहले कोर के जो 10 स्टेप हैं उनका पालन करना है, फिर अपनी टीम में कोर के 10 स्टेपों का पालन कराना है, अपनी टीम में कोर डेवलप करने हैं, क्योंकि ये बिजनेस कोर डेवलप करने का है। जब तक नेटवर्क में कोर नहीं होंगे तब तक नेटवर्क में डायमंडशिप लोगों की नहीं मिलेगी, लोगों की तो छोड़ दो खुद की भी डायमंडशिप नहीं मिलेगी जब तक हमारे नेटवर्क में कोर नहीं होंगे। और दोस्तों मैं कोर बना और लोगों को भी कोर बनाता चला गया और मेरा नेटवर्क तेजी के साथ में बढ़ने लगा। दोस्तों एक छोटा सा सवाल जो हमेशा झकझोर देता था, किसी एक इंसान से पूछा जब जाए, बोला भाई साहब एक आदमी जब अपने घर से एक दिन के लिए बाहर जाता है तो अपने परिवार को 1,000-2,000 रुपए दे करके जाता है कि भाई मैं एक दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूं, आप 1,000-2,000 रुपए में अपने खर्चे चला लीजिएगा, एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, कोई आवश्यकता पड़ती है तो ये पैसे मैं दे करके जा रहा हूं। जब वही कोई एक व्यक्ति एक महीने के लिए घर से बाहर जाता है तो 10,000-15,000-20,000 रुपए परिवार को दे करके जाता है। क्यों दे करके जाता है कि मैं एक महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, आप अपने खर्चे चला लीजिएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जब एक साल के लिए घर से बाहर जाता है तो 1,00,000-2,00,000 रुपए दे करके जाता है कि एक साल में घर से बाहर जा रहा हूं, आपको मैं 1,00,000-2,00,000 रुपए दे करके जा रहा हूं, जिसमें आपको आवश्यकता पड़े उस तरीके से आप अपने खर्चों को चलाइएगा। लेकिन प्रश्न यहां पर यह आता है, वो साल भर के लिए जाता है तो 1,00,000-2,00,000 रुपए दे करके जाता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति परमानेंट चला जाता है, कभी लौट के नहीं आएगा, तो कितने रुपए परिवार को दे के जाने चाहिए उसे, उस समय परिवार को कितने रुपए दे करके जाने चाहिए। लोग कहते हैं कि मैंने 2 दुकान बना दी, मैंने 2 घर बना दिए। अरे मैं बोलता हूं जब वो परमानेंट चला गया कमाने वाला व्यक्ति, तो परिवार वाले क्या दुकान फोड़ फोड़ के खाएंगे या घर को तोड़ तोड़ के खाएंगे? अगर वो 2 दुकान छोड़ करके जाता है, 2 मकान छोड़ करके जाता है, तो मैं एक बात कहूंगा, वो कुछ भी नहीं छोड़ करके गया। वो खेत छोड़ के जाता है, मैं कहूंगा वो कुछ भी नहीं छोड़ करके गया। अगर वो वास्तविकता में अपने परिवार से प्यार करता है तो अगर एक डायमंड बन जाए और परिवार में डायमंड की आईडी छोड़ करके जाता है तो मैं कहूंगा वो बहुत कुछ छोड़ करके जाता है, बहुत कुछ छोड़ करके जाता है। तो दोस्तों जब इस तरीके की बातें मुझे लगी तो मुझे भी अंदर से हिला दिया इन बातों ने और मैं जुट गया काम करने के लिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, पढ़ा करके दिखाना है। दोस्तों संघर्ष तो आते हैं, संघर्ष कहां नहीं आते हैं, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसेन बोल्ट का नाम हम सबने सुना है, 20 साल लगातार प्रैक्टिस की, कुछ भी नहीं मिला, हार्ड ट्रेनिंग कठिन ट्रेनिंग की सिर्फ जीतने के मकसद से, और लगातार दौड़ा, हर दिन प्रयास किया। कितनी देर दौड़ने के लिए हर दिन 20 साल प्रैक्टिस की, मात्र 115 सेकंड दौड़ने के लिए उस व्यक्ति ने 20 साल तक लगातार ट्रेनिंग ली, लगातार प्रैक्टिस की सिर्फ 115 सेकंड दौड़ने के लिए। और दोस्तों वो 20 वर्ष का लगातार प्रैक्टिस विश्व रिकॉर्ड में तब्दील हो गया। जब वो दौड़ा तो उसने इतिहास लिख दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और उस दौड़ में दोस्तों 199
199 मिलियंस डॉलर उस व्यक्ति ने कमाए। दोस्तों संघर्ष के दिन रहते हैं, कोई भी एक दिन में बीज उग करके पेड़ नहीं बन जाता, लगातार ट्रेंड करना पड़ता है, अपने आप को लगातार सीखना पड़ता है, तब जाकर के इतिहास लिखे जाते हैं। और हुसैन बोल्ट के बारे में कहा जाता है 9 बार गोल्ड मेडल जीत करके दिखाया बंदे ने। संघर्ष के दिन, हर बड़े काम को करने के लिए संघर्ष के दिन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब काम हमने इतना बड़ा चुना है जहां से पीढ़ियों का इतिहास लिखा जा सकता है, तो चुनौतियां भी छोटी नहीं आएंगी, चुनौतियां भी बड़ी आएंगी मेरे भाई, क्योंकि जब काम ही इतना बड़ा चुन लिया तो चुनौती कैसे छोटी होगी, विरोध भी कैसे छोटे होंगे। नाव पानी में चलती है, पानी ही विरोध करता है नाव का, पानी ही रोकता है, लेकिन दोस्तों जब वो नाविक अपनी जिद पर अड़ जाता है कि नहीं इस नाव को मैं पार लगा करके जाऊंगा, तो वो दोस्तों पानी ही नाव को पार लेकर के जाता है, सिर्फ उसके प्रयासों के दम से, उसके मेहनत के दम से। तो हुसैन बोल्ट ने 9 बार गोल्ड मेडल जीत करके ये साबित कर दिया कि प्रैक्टिस, हार्ड ट्रेनिंग रोज लेनी पड़ेगी, लगातार लेनी पड़ेगी, जब तक लेनी पड़ेगी जब तक आपको वो मुकाम जिसको पाने के लिए आपने प्रैक्टिस की पहले दिन शुरुआत की थी, जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक लगातार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। साथियों संघर्ष के दिन की अगर बात करें तो आप इस लड़के को पहचानते हैं, 14 साल की उम्र थी, वर्ष 1999 में, जिंदगी एक संघर्ष थी। इसने कहा मैं बिना कुछ किए, बिना कुछ लिए बड़ा हुआ, हम बहुत गरीब थे, बहुत गरीब था ये व्यक्ति, लेकिन इसकी टीचर ने भी इसको कहा था, मुझे अभी याद है जब मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि फुटबॉल मुझे खाने के लिए नहीं देगा, तू ये बेकार के काम करता है। लेकिन दोस्त आज क्रिश्चियानो रोनाल्डो को पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा के रख दिया। संघर्ष के दिन, चुनौतियों के दिन ही तो एक इंसान को निखारते हैं। जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, अरे आदमी का रंग निखरता नहीं है, क्रीम लगाने से, फेस पाउडर लगाने से रंग नहीं निखरते, रंग तो हमेशा चुनौतियां निखारती हैं आदमी का। और दोस्तों ये चुनौतियों ने इस इंसान को बहुत आगे तक लेकर के पहुंचाया। मेरे साथ बहुत सारे लोग भी आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे लालच में फंस करके चले गए, किसी दूसरी कंपनी में भटक गए, कोई इधर भटक गया, कोई छोटे लालचों में फंस गया, कोई इधर उधर की चीजों में फंस गया। मैं समझ गया कि इनके विजन बड़े नहीं है, इनकी सोच छोटी है, इनके लक्ष्य छोटे हैं, और ये जिंदगी में भटकने के लिए आए। लेकिन वो एक शिक्षा दे करके चले गए, और वो क्या शिक्षा दे करके चले गए, लिखा है कि महफिल में गले मिलके वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्म है इसे मोहब्बत न समझ लेना, ये दुनिया की रस्म है इसे मोहब्बत न समझ लेना। जब ये चीज वो कहकर के चले गए तो मैं समझ गया कि ये मोहब्बत करने वाले लोग नहीं थे। अरे मोहब्बत करने वाले लोग तो वो मिलेंगे अभी जो तेरे साथ चलेंगे, और साथ इतना चलेंगे कि तुझे भी क्राउन एम्बेसडर बनाएंगे, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाएंगे, और खुद भी बन करके दिखाएंगे। अभी ऐसे लोगों का आना बाकी है नेटवर्क में। और दोस्तों कुछ नहीं बिगड़ा, जो लोग गए थे ये सोच करके कि इसका हम कुछ बिगाड़ लेंगे, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सके, कुछ नहीं बिगाड़ सके वो मेरा, क्योंकि मैं जानता था, मेरे मेंटर्स ने मुझे बताया था कि आप इस बिजनेस को करोगे या दुनिया का कोई भी धंधा करोगे, उसमें हाँ और ना दो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, कितना भी बड़ा धंधा कर लेना। अरे भाई एक 10 करोड़ लगा करके कोई एक व्यक्ति शोरूम खोल देता है साड़ियों का, एक महिला जाती है 50 साड़ी खुलवा के चली जाती है और मना करके चली जाती है, मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन वो शोरूम वाला दुखी नहीं होता, क्योंकि वो उस सिद्धांत पे काम कर रहा है कि लोग हाँ भी बोलेंगे और लोग ना भी बोलेंगे। और शिव कुमार शर्मा ने भी इसी सिद्धांत पे काम किया, क्योंकि अपलाइन ने बता दिया था, बोला तुझे घबराना नहीं है, लोग हाँ भी बोलेंगे लोग ना भी बोलेंगे। अरे छोड़ना किसी भी बिजनेस का परिणाम है, आना छोड़ना ये तो किसी भी बिजनेस का परिणाम है, लोग आएंगे भी और छोड़ेंगे भी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता,
एलआईसी को आप ले लीजिए, एलआईसी में से जाने कितनी कंपनियों के जन्म हो गए, लेकिन एलआईसी का कुछ बिगड़ा, वो आज भी नंबर वन है। यस और नो? आज भी नंबर वन है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसमें से कितने एजेंट टूट के चले गए, कितनी कंपनियां चली खुल गई उसी एलआईसी में से, लेकिन एलआईसी आज भी नंबर वन है। और मैं कह सकता हूं दोस्तों, सेफ शॉप में से भी जाने कितनी कंपनियां बन गई, सेफ शॉप के नाकारा लोग भी कंपनियां चला गए, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं जो लोग छोड़ करके चले गए कोई फर्क नहीं पड़ा सेफ शॉप पर, सेफ शॉप आज भी नंबर वन है और हिंदुस्तान की नंबर वन है दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो चले गए उन पे तो फर्क पड़ गया होगा जो छोड़ करके गए हैं, लेकिन इन सेफ शॉप पर कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के छोड़ने से। संघर्ष के दिन है दोस्तों, आते हैं, आएंगे, जरूर आएंगी चुनौतियां, क्योंकि कहते हैं आने वाले आएंगे और जाने वाले जाएंगे, कई साथ छोड़ेंगे और कई साथ निभाएंगे, कई साथ छोड़ेंगे और कई साथ निभाएंगे। एक बहुत सुंदर कहावत सुनी थी, When the wrong people leave your life, जब गलत आदमी तुम्हारे साथ से निकल जाएंगे, the right things start happening, उसी दिन से तुम्हारे साथ अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अरे कई लोग तो राहु केतु बन करके बैठ जाते हैं भाई टीम में। मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों को तो निकल जाना चाहिए, ऐसे लोगों को तो काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सही काम की शुरुआत तो वही नहीं होने दे रहे। अरे जिस दिन ये निकल जाएंगे ना, उसी दिन काम की शुरुआत होगी। बस मेहनत में कमी नहीं रखनी है। मेहनत में कमी क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि एक सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा रहती है। सफलता मेहनत करने वालों पर फिदा रहती है दोस्तों। और दोस्तों मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तो हमेशा मेहनत करके कुछ करके दिखाना चाहता था। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की लेडीजों से लड़ते हैं, घर की स्त्रियों से लड़ते हैं। और मैं दोस्तों असली मर्द था, हालातों से लड़ने का जुनून था। अपलाइन ने वो ताकत दी थी, अपलाइन ने वो हौसले दिए थे कि मैं असली मर्द बना दिया, और असली ऐसा मर्द बना दिया कि जब लोग छोड़ करके गए। मैं साथियों आपको बताता हूं कि मेरी टीम 700 की टीम बनी थी और 700 में से 699 लोग छोड़ करके चले गए, एक शिव कुमार शर्मा अकेला बच्चा था, अकेला। एक और आदमी था राधेश्याम फौजी, हम दो लोग बचे थे मात्र 700 की टीम में से। 2006-07 की बात है ये, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने स्थान लिया था। जब 700 आ सकते हैं, तब तो हम बहुत कम जानते थे, सिस्टम की बहुत कम जानकारी थी, काम करने की बहुत कम समझ थी। जब 700 लोगों की टीम बन सकती है, अरे अब तो समझ पूरी हो गई है, 70,000 की बना डालेंगे, 7,00,000 की बना डालेंगे। और दोस्त हिम्मत के साथ में काम किया, मैंने अपनी सोच को कभी नेगेटिव नहीं किया, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है और वही बन जाता है। और कहते भी हैं आदमी जो मन में बनता है वही जीवन में बनता है, जैसा मन में बनेगा वैसा ही जीवन में बनेगा। और मैं कभी भी मन से नेगेटिव नहीं था, चाहे मेरी 700 की टीम चली गई थी, मैं मन में विचलित नहीं हुआ, एक बार को थोड़ा सा हिला था, लेकिन नहीं, मेरे मन में हमेशा पॉजिटिविटी थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं मन में नेगेटिव बन गया तो मैं जीवन में भी नेगेटिव बन जाऊंगा। और कहते हैं ए नेगेटिव माइंड्स will never give you a positive life, एक नेगेटिव माइंड कभी भी आपको पॉजिटिव जिंदगी नहीं दे सकता। और मैंने कभी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि आदमी सफल भी बनता है तो अपने मन के सोचने से, और असफल भी बनता है तो भी अपनी सोच से। जब दोस्तों संघर्ष के समय थे, जब काम अच्छा चल रहा था मेरे साथ में, उस समय मेरी सोच थी ये मेरी शेप शॉप की, मेरे सिस्टम की खूबसूरती है जिसकी वजह से मेरा काम अच्छा चल रहा है। जब अच्छा चल रहा था तब की बात बता रहा हूं, ये शेप शॉप की खूबसूरती है, मेरे सिस्टम की खूबसूरती है कि मेरा काम अच्छा चल रहा है। और जब काम नहीं चल रहा था, संघर्ष के दिन थे और इनकम नहीं थी, तब मैंने समझ लिया था, विचार कर लिया था
कि ये सेफ शॉप तो मेरा तीसरा बच्चा है, थर्ड चाइल्ड है, दो बच्चे मेरे पे हैं, तीसरा बच्चा है ये मेरा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तीसरे बच्चे की परवरिश में कुछ लगा रहा हूं। अरे मेरा तीसरा बच्चा होता तो मैं उसको भी तो खिलाता पिलाता, पढ़ाता लिखाता, उसके साथ में मेहनत करता, कोई बात नहीं है। आज ये बच्चा कमा करके नहीं दे रहा, एक दिन जिस दिन ये बच्चा काबिल बन जाएगा उस दिन इतना कमा करके देगा कि पूरे हिंदुस्तान में नाम कर देगा। और दोस्तों ये सेफ शॉप का बच्चा, ये सेफ शॉप को मैंने अपना जब से थर्ड चाइल्ड माना, मेरे सीनियर ने बताया था, मेरे अपलाइन ने बताया था, इस सेफ शॉप को अपना बच्चा मान लेगा ना, उस दिन से तुझे खर्चे नहीं दिखाई देंगे कि मेरा इतना खर्च हो गया, मेरा इतना टाइम चला गया, क्योंकि बच्चे के लिए खर्च कभी अखरता नहीं है। और सेफ शॉप को बच्चा मान करके काम किया साथियों, मुझे बिलीव था, मेरी अपलाइन ने मुझसे कहा था, यू कैन डू, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द बेस्ट, इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। अपने आप पर विश्वास ही आपकी सफलता का रहस्य है। लीडर को कभी भी खुद पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीडर लीडर होता है भाई। लीडर अपने पे डाउट नहीं करता, वो हमेशा अपने पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, क्योंकि वो लीडर है। 2000 के नोट को चार जगह से मोड़ दो ऐसे करके, उसकी गोली बना दो, तब भी उसकी कीमत 2000 रहेगी, क्योंकि वो 2000 का नोट है। तो लीडर के सामने बेशक संघर्ष के दिन कितने भी आ जाएं, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, फिर भी वो लीडर लीडर है, अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल के दिखा सकता है, वो लीडर है। और लीडर कभी भी संदेह नहीं करता खुद पे। अरे जिस दिन एक लीडर खुद पे संदेह कर जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लीडर को कभी भी अपने आप पे संदेह, डाउट नहीं करना है। अरे अर्जुन जब ब्रहनला था तब भी अर्जुन था, परिस्थितियों ने उसको ब्रहनला बना दिया था, लेकिन जिस दिन वो परिस्थितियों से थोड़ा सा समय बदला, उसी अर्जुन ने पूरे महाभारत में दिखा दिया था कि अर्जुन अर्जुन है, लीडर लीडर होता है। लीडर पे परिस्थितियां आती हैं, क्यों आती हैं, वो लीडर को जांचने के लिए आती हैं, वो लीडर को परखने के लिए आती हैं, वो लीडर के हौसले चेक करने के लिए आती हैं। लेकिन लीडर हमेशा लीडर होता है, वो कभी भी किसी परिस्थिति से टूटता नहीं है। और जिस दिन लीडर को खुद पर संदेह हो जाएगा तो लीडर टूट जाएगा। और दोस्तों ये मैं जरूर कहूंगा कि लीडर को कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना है, डाउट नहीं करना है लीडर को कभी भी खुद पे। आपने देखा होगा लोग पूछते भी हैं, बोला विभीषण का घर और हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली थी। आग तो जब हनुमान जी की पूंछ में लग गई तब पूंछ भी नहीं जली और लंका पूरी जल गई, विभीषण का घर भी नहीं जला, क्यों क्यों नहीं जली, ये लोगों के दिमाग में विचार रहता है। दोस्तों इसलिए नहीं जली क्योंकि जो दूसरों के लिए कार्य करता है ना, उसके लिए हजारों लोग प्रार्थना करते हैं। और हम सब तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा चौका चूल्हा तो जलता ही है, हमारी वजह से भी लाखों घरों में चौके चूल्हे जलते हैं। और जब हमारी वजह से हजारों लाखों के घर में चौके चूल्हे जलते हैं तो उनकी दुआएं भी हमारे साथ होती हैं, तो संघर्ष हमारे साथ टिक नहीं सकता। इधर हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, उधर सीता मैया बैठ करके दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी अग्निदेव को कि आप मेरे हनुमान जी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो हनुमान जी जब दूसरे के कार्य के लिए काम कर रहे थे, अपना तो सिद्ध कर ही रहे थे, लेकिन दूसरे के कार्य के लिए जब मेहनत करता है आदमी तो दूसरों की बहुत सारी दुआएं होती हैं, लाखों की दुआएं होती हैं। और विभीषण का घर इसलिए बच गया था क्योंकि विभीषण ने भी राम की सहायता के लिए हनुमान जी को सारी चीजें बताई थी, वो भी सिस्टम पर था, वो भी एथिक्स पर था, इसलिए दोनों के कोई आग फर्क नहीं कर पाई। ऐसे ही कितनी भी बड़ी आग लग जाए, कितनी भी बड़ा चैलेंज क्यों नहीं आ जाए, ध्यान रखना दोस्तों हजारों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आपका बाल बांका नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं कोई कर सकता। रामायण में लिखा है ये चौपाई बहुत सुंदर कि साधु अविज्ञा कर फले ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों जब दुआएं हम लोग काम ऐसा कर रहे हैं जिसके दूसरों के घर में बहुत सारी खुशियां आती हैं,
तो उनकी दुआएं और प्रार्थनाएं हम लोगों के साथ रहती हैं। और मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति सत्य के लिए अड़ा है उसके साथ हमेशा परमात्मा खड़ा है, परमात्मा खड़ा है साथियों। तो दोस्तों, ईश्वर का आशीर्वाद था, अपलायनों का आशीर्वाद था, और एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि रिकग्निशन पर रिकग्निशन मिलती चली गई, सम्मान पे सम्मान मिलते चले गए, मेरे लेवल बढ़ते चले गए धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करते करते जब लेवल बढ़ते चले गए तो वो दिन भी आ गया, द डे ऑफ सेलिब्रेशन, द डे ऑफ डायमंड्स, वो दिन भी आ गया जब उत्सव का दिन था और मैं डायमंड बना, मुझे डायमंड का ताज पहनाया गया। दोस्तों, इन सभी चीजों के बावजूद अंततः मुझे वो उपलब्धि प्राप्त हुई जिसके लिए इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और दोस्तों, जब रिटेल में रिटेल कंपनी ने शुरू किया तो उस समय वो लोग जो 7 लाख रुपए का चेक बना रहे थे, 7 लाख के चेक, रिटेल में 5 लाख का चेक बनाने पर कोहिनूर का सम्मान मिलता था, मिला था। और दोस्तों, मैं खुश नसीब हूं कि मेरी अपलाइन की सही गाइडलाइन और मार्गदर्शन के दम पर वो कोहिनूर का सम्मान भी सुकुमार शर्मा ने प्राप्त करके दिखाया, और मुझे भी दोस्तों कोहिनूर का सम्मान मिला, वो कोहिनूर का ताज पहनाया गया, और एक वीक में ऐसा कारनामा मैं भी करके दिखा पाया। मैं सैल्यूट करता हूं सभी अपलाइन को जिन्होंने मुझे इतना गाइड किया कि इतनी बड़ी उपलब्धि इतने बड़े मंच पर मैं ले पाया। डायमंड तो बनाई लेकिन कोहिनूर जैसा सम्मान भी मुझे हासिल करने का यहाँ से मौका मिला। मैं अगेन कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं अपने सभी मेंटर्स का। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे करके मेरे जीवन में उपलब्धियों का सिलसिला शुरू हुआ। साथियों, जब कुछ पैसा आए, मोटरसाइकिल थी मेरे पास, और मोटरसाइकिल भी मेरी नहीं थी, वो मोटरसाइकिल भी ससुराल से सहायता प्राप्त अनुदान में मिली थी। उस मोटरसाइकिल को मैंने यहां पर चलाने की शुरुआत की, फील्ड में दौड़ दौड़ करके काम किया, उससे पहले मैंने साइकिल पे दौड़ दौड़ करके काम किया। मुझे याद है मैं रोजाना 40 किलोमीटर तक साइकिल चला करके फॉलोअप कर लेता था। मेरे टाइम पे फोन नहीं हुआ करता था, हमारे पास भी फोन नहीं थे, बाद में मैंने फोन ले लिया था, लेकिन मैं किस पर करूं, सामने वाले पर फोन की सुविधा नहीं थी। मैं मोटरसाइकिल से ही 20 किलोमीटर फॉलोअप के लिए जाता था और 20 किलोमीटर लौट करके आता था, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता था कि 20 किलोमीटर साइकिल चला करके गया और वो आदमी नहीं मिला तो मैं ऐसे ही साइकिल से लौट करके आ भी जाता था। लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, आखिर मुझे वो मिला जो मैं पाना चाहता था, और इस बिजनेस के माध्यम से मेरे जीवन में वो सुखद दिन आया जब मैं पहली कार खरीद पाया, और वो पहली मेरी कार थी अल्टो एलेक्स। अल्टो एलेक्स कार मैंने यहां से खरीद के दिखाई। इस कार को मैं पहली बार, मेरे घर में कार आई थी, मेरे घर का तो दरवाजा ही छोटा था क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें कार भी घुसानी है। तो जब मैं कार लेकर के घर पे पहुंचा था तो दरवाजे को तोड़वाना पड़ा था, तब कार घर में अंदर तक जा पाई थी। मेरे जीवन की पहली कार थी दोस्तों। इसके बाद फिर मैंने दूसरी कार ली जिसका नाम था दोस्तों सेंट्रो जिंक जीएल। इस कार को मैंने खरीदा, इस बिजनेस की ही देन थी कि मुझे दूसरी कार का मालिक बनाया। इसके बाद साथियों, मैंने तीसरी कार खरीदी जिसका नाम था स्विफ्ट वीडीआई। मैंने इस कार को भी खूब चलाया, मजे लिए कार के, खूब फील्डिंग करी दबा के। और इसके बाद दोस्तों, मेरे जीवन में वो अवसर आया कि इस बिजनेस के माध्यम से ये शिव कुमार शर्मा भी 4 छल्ले की गाड़ी ऑडी कार को खरीद पाया और अपने इलाके का पहला आदमी बना जो 50 लाख की कार का मालिक बना इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो शायद आज भी उसी ससुराल से सहायता प्राप्त अनुदान में मिली मोटरसाइकिल पर शिव कुमार शर्मा सफर कर रहा होता, लेकिन आज ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक बन पाया। तो इस सिस्टम की वजह से, अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से, और दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन कंपनी शेप शॉप की वजह से दोस्तों, इसके बाद भी कारों का सिलसिला थमा नहीं। और अभी 2 महीने पहले एक और कार खरीदी है मैंने, नई बिल्कुल i20 Astao,
बहुत ही शानदार, ये 14 लाख रुपए की कार खरीदी है मैंने, बिल्कुल नया मॉडल 2 महीने पहले। तो आज ये कारों का सिलसिला लगातार इस बिजनेस में चलता चला गया, उपलब्धियां मिलती चली गई, आज अच्छे घर है। शुरू में पिताजी के घर में रहता था, लेकिन अपलाइन सिस्टम कंपनी सबके आशीर्वाद से आज अपने भी घर है, एक नहीं दो दो तीन तीन घर है, अच्छे ऑफिस भी है, शानदार प्रॉपर्टियां भी ले रखी है साथियों। और आज टीम हजारों में नहीं लाखों में टीम है साथियों, इस बिजनेस के माध्यम से। जहां शिव कुमार शर्मा ने अकेले कदम रखा था, आज लाखों परिवार मेरे साथ में इस मेरी जर्नी में शामिल हो चुके हैं। और मैं ही नहीं, आज मेरी टीम में भी लगातार डायमंड बन रहे हैं, लगातार डायमंड बनते चले जा रहे हैं। और दोस्तों बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जिस दिन शिव कुमार शर्मा भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनकर के दिखाने वाला है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। साथियों जब हमारे साथ में इतने महान आदर्शों का आशीर्वाद है, इतना महान सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उपलब्धि बड़ी है, कोई भी उपलब्धि बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उपलब्धि बड़ी है। बस तू चलने का हौसला रख, तेरे इंतजार में ही तो खड़ी है, तेरे इंतजार में खड़ी है वो उपलब्धि। तो साथियों ये सब कुछ हो पाया इस बिजनेस के माध्यम से। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने सभी आदर्शों का, सभी मेंटर्स का, जिनका परम स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बना रहा, और उनके आशीर्वाद से आज परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, फक्र के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने निर्णय लिया था इस काम को करने का, वो एकदम सही साबित हुआ। आज मेरा पूरा परिवार खुश है, आज पूरे परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं और मैं भी खुश हूं साथियों। और साथियों थैंक यू, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस इंडस्ट्री ने मेरे जीवन को बदला है, आप भी डटे रहना, और जो अपलाइन करने को कहे सिर्फ करते रहना, वो दिन आपके जीवन में भी आएगा कि आपका भी जीवन बदलेगा, न कि आपका बदलेगा बल्कि आपकी वजह से लाखों लोगों के जीवन बदलेंगे, लाखों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आज की इस बातचीत को मैं क्लोज करूंगा। दो पत्थर एक ही खदान से लाए गए, एक ही मूर्तिकार के घर में रखा गया, और दोनों पत्थरों पर मूर्तिकार ने अपने प्रयोग किए, एक पत्थर को मूर्ति बना दिया और दूसरे पत्थर को सीढ़ी पर लगा दिया। एक दिन रात को आवाज आती है रोने की, तो मूर्ति वाला पत्थर देखता है जो मूर्ति बना था कि रो कौन रहा है, और वो देखता है तो पता चलता है जो वो पत्थर जो सीढ़ी पर लगा है उसके रोने की आवाज है, वो पत्थर रो रहा है। उसने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? बोला मैं अपनी किस्मत को रो रहा हूं। बोला किस्मत को क्यों? बोला इसलिए रो रहा हूं कि हम दोनों एक ही खदान से आए थे, एक ही शिल्पकार के, एक ही मूर्तिकार के घर पर गए, लेकिन तू अपनी किस्मत देख, तुझे मूर्ति बना दिया, लोग तेरी पूजा करते हैं, तेरा आदर करते हैं, तेरे ऊपर श्रद्धाएं अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि तू मूर्ति बना दिया, और मुझे देख मैं सीढ़ी पर लगाऊं तो लोग मुझे जूते उतारते हैं, मेरे ऊपर जूते उतारते हैं। तो सीढ़ी वाला मूर्ति वाला पत्थर मुस्कुरा करके कहने लगा, बोला दोस्त तू किस्मत की बात करता है, तू भूल गया उस दिन को जब मूर्तिकार ने पहला हथौड़े का प्रयोग किया था और तेरे टुकड़े हो गए थे। मुझे पूछ इस मूर्ति को बनने तक कितने छेनी हथौड़ों की मार खाई है, तब जाकर के ये मूर्ति पूजने के योग्य बन पाई है। तो दोस्तों कभी भी छेनी हथौड़ों की मार से घबराना नहीं है, क्योंकि मूर्ति बनकर के पूजा करानी है तो दोस्तों हमें डटना पड़ेगा, और बिल्कुल के संकल्प के साथ में डटना पड़ेगा। लोग आएंगे आपके साथ, लोग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो यहां से किसी लालच में छोड़ करके चले गए, यहां तब भी मिल रहा था, वहां कुछ भी नहीं मिला, अब वो नहीं यहां के रहे ना वहां के रहे। एक आबत कहते हैं ना, भंडारे में पहुंचे
तब तक पूरी गायब, भंडारे में पहुंचे तब तक पूरी गायब, और लौट के बाहर आए तब तक चप्पल गायब। तो न चप्पल मिली न पूरी मिली, दोस्त एक ही जगह डटे रहना, पूजा होगी, पूजा होगी। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को आज विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया पैनल पर। मैं अपने परम आदर्श महान गुरुदेव, गुरुओं के गुरु महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और मैं उनसे आशीर्वाद की हमेशा अपेक्षा करता हूं कि अपना आशीर्वाद अपने इस छोटे से शिष्य पर जरूर बनाए रखे, और ये शिष्य बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। और हमारे पैनल पर हमारे सभी साथी, हमारे पीआर चौधरी साहब, हमारे सीनियर साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, उन्होंने भी हमारे साथ में बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और आप सभी भी हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे साथी हैं। मुझे एक एक एसोसिएट भविष्य का यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लगता है, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से एक ही सोच पर काम किया कि अगर आपका मन में बनेगा तो जीवन में बनेगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं अपने श्रीमान श्री नरसिंह ग्रेवाल सर को प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।